तू जाके भारतीय जनता पार्टी को रोज गीत गाओ तो उत्तराधिकारी हो गई ना। अब मैं ईमानदारी से झंडा लेकर के बुलंद कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब जनता समझ गई है। बहन बेटियाँ सरेआम रोड पर सिटी जा रही हैं नंगा करके, शर्म नहीं आती नेताओं को बड़ी 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 बात बोलने में? पुलवामा हमले की जांच हुई क्या? जैसे तैसे रोक दिया, हो जहां का तहां ब्रेक कर दिया गया। आपने कहा था कि जीतते ही जो है अहिरेजमेंट बन गई, अहिरेजमेंट घोषणा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये कभी नहीं बनने देंगे। हमने तो आपको तैयार किया था, हम अपनी भावनाएं से खेलने के लिए तैयार थोड़ी आपको किया है, आपको बुलाया है, आपको बजवाया, आप अपना गुरु भी हमको बताते हो। माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव और उस परिवार से ओछे शब्द और ओछी बात का प्रयोग चाहे जो करेगा, वो मेरा भाई होगा चाहे बेटा होगा, उसको माफ नहीं कर सकता। पेपर लीक हुआ है, ये जानबूझकर के पेपर लीक करवाया गया है कि अगर पेपर लीक नहीं करवाया तो नौकरी देनी पड़ेगी। उपचुनाव में बड़ी उम्मीद से लोगों ने इनको जागने के लिए ही लोगों ने वोट किया था, ये जाग जाएंगे। डबल इंजन की सरकार है, हो सकता है कि हम लोगों का विकास चढ़ बढ़ करके हो जाए, एक बार देख लें। लेकिन जितना दुखित लोग हैं अब उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, बहुत लोगों में रोष भी है और दुख भी है। इसलिए जहां सोने और जागने का सवाल है, इसका जवाब इस चुनाव में आजमगढ़ की जनता देने जा रही है। सांसद निर्मल ने पिछली बार कहा था कि अहिर रेजिमेंट हम जीतते ही संसद में मांग उठाएंगे अहिर रेजिमेंट की, फिर किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा अहिर ही नहीं बनने दे रहे अहिर रेजिमेंट। देखिए एक बात आपको बता दें, पूरा हिंदुस्तान ने देखा कि आपने बोलने की कोशिश किया और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके दल के लोग आपको बोलने नहीं दिए, एक मिनट के अंदर ही आपको बैठा दिए। फिर दूसरी बार आपने कोशिश किया, आपकी बात सुनने को लोग तैयार नहीं है, वो जानते हैं यानी मैं गिरल आम पागल हूँ, लोग जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं कि अब दोबारा फिर जो है ये जीतने वाले नहीं है। वहाँ पोह की स्थिति में थे कि हम लोग करें तो क्या करें, किसको लड़ाएं। तो मैं ज़्यादा कुछ न बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि जो वादा आपने किया था कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आपने कहा था कि जीतते ही जो है अहिरेजमेंट बन गई अहिरेजमेंट, घोषणा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये कभी नहीं बनने देंगे। इनको हरा करके अब इंडिया समर्थित जो है सरकार बनने जा रही है केंद्र में, इसके बाद विजयलाल यादव एमपी हो ना हो, एमएलए हो ना हो, राज्यसभा हो ना हो, एमएलसी हो ना हो, विजयलाल की आवाज़ पहुंचेगी पार्लियामेंट और हम अहिरेजमेंट बनवा के दिखवाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो, और यह देश जाग चुका है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि ये चुनाव में एक तरफ से चाहे हमारे भैया हो चाहे जो बाढ़ चलेगा से रणयुद्ध तैयार है, तो हम भी तो तैयार हैं, ये तो तैयार थे तैयार हैं, हमने तो आपको तैयार किया था, हम अपनी भावनाएं से खेलने के लिए तैयार थोड़ी आपको किया है, आपको बुलाया है, आपको बजवाया, आप अपना गुरु भी हमको बताते हो। लेकिन हमारा कोई भी हो, माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव और उस परिवार से ओछे शब्द और ओछी बात का प्रयोग चाहे जो करेगा, वो मेरा भाई होगा चाहे बेटा होगा, उसको माफ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा पार्टी बदलना आप ही से सीखा, आप उनके गुरु हैं, या चीजें जो आप उनकी बातें आ रही हैं उनसे ही आपसे ही उन्होंने सीखा, तो हमसे सीखा है तो फिर बदल के पार्टी चला है हमारे पार्टी में, फिर से आप एक्सेप्ट कर लेंगे अगर? बिल्कुल, यहाँ तो दरवाजा खुला है सबके लिए, आए वेलकम है, स्वागत है। लेकिन आप हमको नहीं कह सकते क्योंकि हमको आपकी पार्टी ने टिकट दिया था, उनसे पहले हम एमपी हो गए होते, उनसे पहले एमएलए हो गए होते। हमें एमपी एमएलए बनने का शौक नहीं है, हमें उनके दुख दर्द का शौक देखना है, उनका दुख दर्द जो भूखे सो रहे हैं,
क्या मणिपुर का कांड भूल गया किसकी गवर्नमेंट है हिंदुस्तान? बहन बेटियां सरेआम रोड पर सिटी जा रही हैं नंगा करके, शर्म नहीं आती नेताओं को बड़ी 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 बात बोलने में? पुलवामा हमले की जांच हुई क्या? जैसे तैसे रोक दिया, जहां का तहां ब्रेक कर दिया गया। अभी अभी भर्ती निकाला था, ये पेपर लीक हुआ है, ये जानबूझ करके पेपर लीक करवाया गया है कि अगर पेपर लीक नहीं करवाया तो नौकरी देनी पड़ेगी। जवान घूम रहा है अपनी डिग्री लेकर के, आत्महत्या कर रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है वो लोग बता रहे हैं। किस दिशा की बात कर रहे हैं देश? उन्होंने एक बात ये भी कही कि 80 लाख नौकरियां हैं, अगर सारी हीरो को ही दे दी गई, 80 लाख नौकरियां अगर केवल अहीरो को भी दे दी गई तो भी वह नौकरियां पूरी नहीं होंगी, यादव समाज की जनसंख्या के हिसाब से तो भी सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिल सकती है। देखा अहीर बड़ा नरम दिल कहुआ, अहिरन का कृपा हो गई तुहरे पर थोड़ी सा, तू कथवा नौकरियां अहिरों को कोई जरूरी नहीं कि खाली अहिरे को नौकरी मिले। अरे किसी को तो मिले मेरिट के हिसाब से, जो पढ़ा है यादव का लड़का पढ़ने में बढ़िया है, चाहे जिस बिरादरी का लड़का पढ़ने में बढ़िया, किसी को तो मिले। पिछड़ों को नौकरी नहीं देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आप कहाँ की बात करते हैं, नहीं देना चाहती है पिछड़ों को नौकरी। मुलायम सिंह यादव के परिवार का अपने को उत्तराधिकारी बताया निरहुआ ने, और कहा आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव जी का उत्तराधिकारी मैं हूँ, असली उत्तराधिकारी उन्होंने अपने आप को बताया, नेताजी का उत्तराधिकारी खुद को बताया है। तो उत्तराधिकारी वो हूँ तो हम कहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान से जाके भारतीय जनता पार्टी को रोज गीत गावत हुआ तो उत्तराधिकारी हो गई ना है? मैं ईमानदारी से झंडा लेकर के बुलंद कर रहा हूं तो मैं कुछ नहीं हूं, ये सब जनता समझ गई है। अब चाहे जो भी आप उनका जो भी दाव लगा ले, कौन दाव अब लगी होगी, उनका कहना है कि जब तक नेताजी थे आजमगढ़ के नेताजी किए और उसके बाद हमने किया, बीच में अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, वो चुनाव जीते और यहाँ से चले गए, इस पर क्या कहना? इस पर कुछ नहीं कहना है, इस पर जनता जवाब दे देगी कि आपने क्या किया है। हमें चुनाव के बाद इसी डिबेट में आप लोगों के सामने, इसी कैमरे के सामने फिर बैठूंगा, फिर जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं वही प्रश्न आपसे करूँगा। क्योंकि 400 पार की उन्होंने गाया है, 400 पार की बात, 400 पार उसके कलेजा हिल रहा है, कोई गाना है सर? कलेजा हिल रहा है, कोई गाना है? गाना सुना, गाना तो भाई सुनबे की रहा, कलेजा हिल रहा है, कलेजा ये हिल रहा है कि कह तो दिया 400 पार। बंगाल से लेके और गुजरात तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इनके झूठ को लोगों ने खूब पूरी तरह से पढ़ लिया है। कुछ अंधभक्त हैं जो कहते हैं वो 500 रुपए का हो जाएगा पेट्रोल डीजल तो भी कोई फर्क नहीं है, हमें इन्हीं को करना, वो अंधभक्त हैं, उनको देश से मतलब नहीं, किस दिशा में देश जा रहा है। आप गरीब के चूल्हे पे जाके देखिए, अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब की स्थिति क्या है आज? तेल की कीमत, जिस सिलेंडर के लिए के हाय हाय करते थे वो सिलेंडर का भाव, मैंने देश को कहाँ ये लोग ले जाना चाहते हैं। यहाँ संविधान को खत्म करने की धीरे धीरे अंदर से इनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं कि हम संविधान को खत्म, संशोधन करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे, नागपुरिया कानून लाना चाहते हैं देश में, और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। अरे दिल की धड़कन सपा को हम सब माने, हम है दीवाने साइकिल के दीवाने, हम है अखिलेश यादव के दीवाने, हम मुलाजम सिंह यादव के दीवाने, हम है अखिलेश यादव के दीवाने। तमाम गीत है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से जितने साथी हमें देख रहे हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं और आजमगढ़ के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि
कि एकदम तैयार रहिए भारी से भारी मत से विजयी बना करके, जहां तक सुने मात्र आजमगढ़ ही नहीं यह न्यूज हमारा जहां तक प्रदेश में या चाहे देश में सुना जाए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए, जहां समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है जिस प्रदेश में, इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए और जड़ से उखाड़ करके फेंकिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बदलाव अब यह भारत बदलाव चाहता है। एक तरफ सांसद निरहुआ आज पूरे क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, क्या बिजलाल यादव भी लगातार धर्मेंद्र यादव का प्रचार आजमगढ़ में करते नजर आएंगे? हम है हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी का प्रचार किया था, अगले बार धर्मेंद्र भैया का प्रचार किया था, मैं बीमारी के आलम में तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, फिर मुझे पार्टी कार्यालय से स्टार प्रचारक की सूची में नाम डाल करके और यहाँ विशेष भेजा गया है कि आप वहाँ जाओ, गाजीपुर 4 दिन दे दो, 6 दिन दे दो, 4-6 दिन हमको डिम्पल भाभी के चुनाव में भी जाना है, जहाँ जहाँ पार्टी का हुक्म होगा वहाँ वहाँ मुझे जाना है, लेकिन विशेष आजमगढ़ में रहना। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।